तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मशहूर गायिका शमशाद बेगम का आज निधन हो गया। मुंबई में अपने घर पर शमशाद बेगम ने आखिरी सांसें ली। 1919 में शमशाद बेगम का जन्म अमृतसर में हुआ था। कई मशहूर गाने उन्होंने गाए, लेके पहला पहला प्यार, मेरे पिया गए रंगून, कजरा मोहब्बत वाला, ये उनके चर्चित गाने हैं। इन गानों के पीछे आवाज शमशाद बेगम की ही थी। 94 साल की उम्र में शमशाद बेगम का निधन हुआ। हमारी संवाददाता सरिता सिंह मुंबई से हमारे साथ हैं। सरिता, क्या बताया जा रहा है, काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी? बिल्कुल, 3-4 सालों से बीमार चल रही थी। मुंबई के पवई इलाके में वो अपने बहू के साथ रहती थी, और कल रात शायद उन्होंने, हालांकि अब तक बहुत ज्यादा खबर नहीं आ रही है, उनके परिवार की तरफ से खबर आई है कि कल रात उन्होंने आखिरी सांस ली। और 4 साल से लगभग बीमार चल रही थी और उम्र काफी हो चली थी, तो उम्र के लिहाज से जो तकलीफें होती है उन्हें तकलीफें थी, और कल उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। शायद जी सरता, जो कुछ ऐसे लोग होंगे जो शमशाद बेगम के बारे में नहीं जानते होंगे, मुझे लगता है उनके लिए ये गाने ही काफी हैं। जिन गानों का हमने जिक्र किया, ये गाने हर किसी ने सुने हैं, इतने लोकप्रिय रहे थे। बिल्कुल सरता, वो गाने ऐसे हैं जो जो हर एक शख्स जो नई जनरेशन का है उसने भी वो गाने जरूर सुने रहे होंगे। एक ऐसी लोगों को ये भले पता ना हो कि वो बहुत प्लेबैक सिंगर थी या उन्होंने बहुत उनके तालुकात क्या थे, पर ये जरूर पता है कि कजरा मोहब्बत वाला गाना कौन सा है, लेके पहला पहला प्यार गाना कौन सा है, कभी आर कभी पार या मेरे पिया गए रंगून, ये ऐसे गाने हैं जो आज की जनरेशन ने भी सुन रखे हैं। आज भी जब बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उसकी मेलोडीज बनाई जाती हैं, बहुत सारे उसमें गाने रिमिक्स किए जाते हैं, तो ये सब गाने उसमें शामिल होते हैं। तो ये सब गाने इतने ज्यादा मशहूर है, पॉपुलर है, कि उनकी आवाज तमाम लोगों तक पहुंची है, तमाम लोगों को याद है। सरिता, बिल्कुल संगीता, सरिता हम आपसे बात कर रहे हैं, उस दौरान एक झलक सुन लेते हैं शमशाद बेगम के कुछ लोकप्रिय गानों की। मेरे पिया, ओ मेरे पिया,